आपका बहुत बहुत स्वागत है बी पकवान में। आज मैं फिर आपके सामने लेकर आई हूँ चॉकलेट केक की रेसिपी, जिसको मैंने बिना अंडे, बिना मैदे और बिना ओवन के बनाया है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप मुझे फेसबुक पेज पर देखते हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज इसको ढेर सारे लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि इसको कैसे बनाया जाता है। तो चॉकलेट केक बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है एक मिक्सर जार, और उसमें मैंने 2 कप सूजी ली है। तो जिससे हम चाय पीते हैं उन्हीं कप से मैंने नाप लिया है। तो 2 कप सूजी लेते हैं यहाँ पे, और आप देख सकते हैं कि ये जो सूजी है थोड़ी मोटी है। तो अब हमें क्या करना है, इसको जो है पीसना है। पीस के हम इसको पतला करेंगे यानी महीन करेंगे। तो आप देख सकते हैं सूजी जो है हमारी महीन हो गई है। और अब मैं इसमें डालूंगी 1 कप चीनी। तो 2 कप के हिसाब से मैंने 1 कप चीनी ली है। आप अपनी पसंद के अनुसार मीठा घटा बढ़ा सकते हैं। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 कप दही। तो दही हमें खट्टा नहीं लेना है, ये याद रखना है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 कप रिफाइंड ऑयल। आप इसकी जगह देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। और अब इसमें जाएगा कोको पाउडर। तो मैंने 1/2 कप के करीब इसमें कोको पाउडर लिया है, वो डाल देते हैं। अब हमें क्या करना है, इन सब चीजों को जो है मिक्स करना है। लेकिन उससे पहले हम इसमें एक चीज और डालेंगे, वो है 1/2 कप दूध। तो मैं दूध डाल देती हूँ, इससे आसानी से मिक्स भी हो जाएगा ये। और अब हम इन सारी चीजों को मिक्सी में चला लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने मिक्सी चला ली है और ये पेस्ट बन करके हमारा तैयार हो गया है। तो ये ना ज्यादा पतला है और ना ज्यादा गाढ़ा है। इसको क्या करते हैं, हम किसी बर्तन में जो है निकाल लेते हैं। और अब इसको हम ढककर रखेंगे 1/2 घंटे के लिए। 1/2 घंटे के लिए हम इसको ढक के रख देते हैं। और तब तक क्या करते हैं, हम जिसे हमें बर्तन में केक पकाना है उसको तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने इस तरह का एक कंटेनर लिया है, इसको मैंने तेल लगा के जो है चिकना कर लिया है। आपके पास बटर पेपर हो तो आप इसमें बटर पेपर भी लगा सकते हैं। मेरे पास बटर पेपर नहीं है तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा जो मैदा है इसको डाला है। और इसको इस तरह से हिलाते हुए हम चार ओर फैला लेंगे, इससे केक है आसानी से जो है निकल आएगा हमारा। तो आप देख सकते हैं जो मैदा है पूरी तरह से अच्छे से फैल गई है। और अब इसको रख देते हैं हम, और इधर ले लेते हैं हम एक कुकर। तो यहाँ देखिए मैंने एक कुकर ले लिया है और उसमें डाला है मैंने नमक, 2 कटोरी भर के मैंने नमक डाला है इसमें। और इसके अंदर हम रखेंगे एक ढक्कन, इसके ऊपर हम अपने केक के बैटर को रखेंगे। नमक डालने से जो हमारा केक है बिल्कुल ऐसा बनेगा जैसे ओवन में बनाते हैं हम। तो इधर मैंने एक ढक्कन ले लिया है और उसके आप देख सकते हैं रबड़ और जो सीटी है उसको निकाल दिया है मैंने। और अब हम इस कुकर को रख देंगे गैस पर 10 मिनट के लिए, मीडियम गैस पे प्री हीट होने के लिए। तो इधर जो है हमारी सूजी फूल गई है, चलिए देख लेते हैं। तो केक बनाने के लिए मुझे जो है ये बैटर बिल्कुल सही लग रहा है। अगर आपको थोड़ा सा गाढ़ा लगे तो आप थोड़ा सा उसमें पानी या फिर दूध मिला सकती हैं। तो केक बनाने के लिए हमें बहुत पतला बैटर भी नहीं चाहिए और बहुत ज़्यादा गाढ़ा बैटर भी हमें नहीं चाहिए। ये आप देख सकते हैं एकदम सही है ये। तो केक बनाते समय एक बात हमें हमेशा ध्यान रखनी है कि आप जिससे भी बनाते हो, चाहे वो बेकिंग सोडा हो, चाहे वो बेकिंग पाउडर हो या फिर इनो हो, हमें बिल्कुल लास्ट में डालना है। तो मैं यहाँ बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। मैंने 1 चम्मच बेकिंग पाउडर लिया है और इसको मिला देते हैं अच्छे से। तो इसको हम एक ही डायरेक्शन में घुमाते हुए मिलाएंगे। तो आप देख सकते हैं बेकिंग पाउडर के डालने से ये एकदम से कैसे फूल गया है। तो हमारे केक का बैटर जो है तैयार हो गया है। और अब हम क्या करेंगे, इसको
ट्रांसफ़र कर लेंगे बर्तन में जो हमने मैदा लगा के तैयार किया हुआ है। तो इसको मैं निकाल लेती हूँ। थोड़ा सा बैटर बच गया है, इसको हम किसी चम्मच के सहायता से जो है निकाल देंगे और एक बात का हमें ध्यान रखना है कि जो हमारा बैटर है उसको बिल्कुल ऊपर तक नहीं भरना है, मतलब जिस बर्तन में हम केक बना रहे हैं बिल्कुल ऊपर तक उसको नहीं भरना है क्योंकि ये बाद में फूलेगा भी, तो उसके लिए भी हमें जगह छोड़नी होती है, नहीं तो जो केक है हमारा बर्तन के बाहर निकल के गिरेगा जिससे कि हमारा जो नमक है वो भी खराब हो जाएगा। तो इस तरह से 2-3 बार आप टैप टैप कर लें जिससे जो एक्स्ट्रा बबल है वो निकल जाएंगे। अब हम इसको रख देते हैं कुकर के अंदर। तो 10 मिनट हो गए हैं और कुकर जो है हमारा अच्छा गर्म हो गया है, तो इसमें हम जो हमारा बैटर है इसको रख देंगे और ये काम हमें बहुत ध्यान से करना है क्योंकि कुकर जो है हमारा बहुत ज़्यादा गर्म है। तो अब क्या करेंगे, कुकर का जो है ढक्कन लगा देंगे। तो केक पकने में लगभग 45 मिनट जो है लग जाते हैं, लेकिन आप एक बार बीच में इसको ज़रूर चेक कीजिएगा। तो ये ध्यान रखिएगा जैसे ही बैटर रखें तुरंत गैस हमें स्लो कर देनी है। तो देख सकते हैं आप 45 मिनट लगभग हो गए हैं और जो केक है हमारा बन गया है। तो मैं यहाँ पे एक नाइफ है इसको डाल के देख रही हूँ, तो आप देखिए बिल्कुल क्लीन बाहर आ रहा है, इसका मतलब है केक हमारा जो है बन गया है। ये बीच में लग रहा होगा आपको कच्चा है, पर देखिए मैं डाल रही हूँ तो एकदम क्लीन आ रहा है। तो केक हमारा बन करके तैयार हो गया है और आप देख सकते हैं ये कितना फूला फूला बना है। तो इस बर्तन को हम जो निकाल लेते हैं, लेकिन इस बात का हमें ध्यान रखना है कि बहुत सावधानी से हमें निकालना है क्योंकि कुकर हमारा अभी भी बहुत ज़्यादा गर्म है। तो आप देख सकते हैं जो केक है हमारा बन गया है और ये अभी बहुत ज़्यादा गर्म है, तो इसको मैं अभी जो है नहीं बिल्कुल छेड़ूंगी, तो इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे। जब ये छूने लायक हो जाएगा बर्तन तब हम इसको बाहर निकालेंगे क्योंकि अभी बर्तन भी है बहुत ज़्यादा गर्म है। तो अभी हम कोशिश करेंगे तो हमारे हाथ भी जलेंगे और केक भी टूटने का डर है। तो आप देख सकते हैं जो बर्तन हमारा ठंडा हो गया है और इस तरह से नाइफ की सहायता से आप चारों ओर इसको घुमाइए जिससे साइड से जो हमारा केक है आसानी से निकल जाएगा। और अब हमें क्या करना है, हम लेंगे एक प्लेट और वो इसके ऊपर रखेंगे और नीचे वाली प्लेट को पलट देंगे और थोड़ा सा इसको इस तरह से थपथपाएंगे और ये लीजिए हमारा केक जो है निकल गया है। तो जो आप ये वाइट वाइट देख रहे हैं ये जो मैदा है हमारी, इसको आप झाड़ेंगे तो झड़ भी जाएगी और इसको लगा रहने देंगे तो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो केक को हमने निकाल लिया है और आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा स्पॉन्जी केक बना है हमारा। आप चाहें तो इसको ऐसे भी खा सकते हैं। मैंने यहाँ एक कटोरी में चॉकलेट को मेल्ट कर लिया है और इसके ऊपर से जो है मैं लगा रही हूँ। आप चाहें तो कोई चॉकलेट सिरप वगैरह भी लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पूरी चॉकलेट जो है लगा ली है और अब मैं इसमें डालूंगी कटे हुए बादाम। आपके पास घर में जो भी ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल हो उससे आप इसको सजा सकते हैं। तो छोटी छोटी कलरफुल शुगर बॉल आती हैं वो भी डाल सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और अब मैं यहाँ पे लगाऊंगी चोको चिप्स। तो चोको चिप्स लगाने से बच्चे से खाना बहुत पसंद करते हैं और ये देखने में भी जो है सुंदर लगता है। तो लीजिए हमारा जो केक है तैयार हो गया है बन करके और आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये देखने में। तो आप इस तरह से केक बनाइए, आपके बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे। चलिए मैं आपको इसको काट के दिखाती हूँ। तो आपने देखा फ्रेंड्स कितना आसान है इसे बनाना। तो आप इसको घर में बनाइए और एंजॉय कीजिए। चलिए हमारा जो केक है कट गया है और मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ ये अंदर से कैसा बना है।
और ये हमारा केक, ये देखिए कितना ज़्यादा स्पंजी केक बना है हमारा। वाओ कितना ज़्यादा टेस्टी लग रहा है, लग रहा है बस कि अभी खाना स्टार्ट कर दें इसे। तो आप देख सकते हैं इसकी जालियां, मैं आपको पास से दिखाती हूँ कितनी ज़्यादा एकदम जालीदार बना है हमारा केक। तो मैं दबा के दिखा रही हूँ आपको फ्रेंड्स, ये देखिए वाओ। तो जितना ज़्यादा ये देखने में सुंदर है उसे कहीं ज़्यादा खाने में टेस्टी है। अगर आप अपनी बनाई गई रेसिपी की फ़ोटो मेरे साथ शेयर करना चाहती है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, अपनी फ़ोटो शेयर कीजिए। तो इसको बनाइए, खाइए और एंजॉय कीजिए, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो पसंद आया होगा आपको। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और सभी फैमिली फ्रेंड्स और सोसाइट पर इसको शेयर कीजिए। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। तो फ्रेंड्स जल्दी ही मुलाकात होगी ऐसी ही एक नई रेसिपी के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और देखते रहिए बी पकवान।